गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरा अपने अनुभव से है। विगत कई वर्षों से, जैसे कई बार मेरा अपने कार्य के सिलसिले में कई कॉन्फ्रेंस इवेंट्स में जाना होता है और फाइव स्टार्स में जनरली कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती हैं, तो मेरा एक नियम है कि मैं किसी भी परिस्थिति में वहाँ पर भोजन नहीं करता हूँ, और कई बार अपने डायरेक्टर्स के साथ भी जाना होता है। तो इसी विषय पर कई बार धर्म पर चर्चा होती है, और एक तो अच्छा लगता है कि धर्म की प्रभावना होती है, उन्हें मर्यादा जैन के बारे में समझ में आता है। तो उनका एक वाक्य था कि जब किसी धर्म के प्रति कट्टरता बढ़ती है तो जनरली देखा जाता है कि समाज में एक वैमनस्य क्रिएट हो जाता है। लेकिन उन्हीं के शब्द थे जब उन्होंने कहा कि कोई जैन व्यक्ति जब कट्टर होता है या जैन समाज जब कट्टर होता है तो समाज में अहिंसा का संदेश जाता है, सद्भावना का संदेश जाता है। तो वो इतनी प्रभावित वाक्य लग रहा था, तो मुझे लगा कि शायद हमारी कट्टरता हमारे और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी होती। तो इसी के संदर्भ में गुरुदेव आपका मार्गदर्शन। मैं संशोधित करूँगा, शब्दों को संशोधित करो। कट्टरता कतई उचित नहीं होती, और मैं कभी कट्टर बनने की बात ही नहीं करता। कभी कट्टर मत बनना, कट्टरता मत अपनाना, कट्टरता कटुता बढ़ाती है। हाँ, दृढ़ता रखो, निष्ठा बढ़ेगी। कट्टरता और दृढ़ता में बड़ा अंतर है। जब हम कट्टरता को अपनाते हैं तो अंदर से कठोर हो जाते हैं और खुद की महत्ता को ख्यापित करते हुए सामने वाले को कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये कट्टरता का एक बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन जहां दृढ़ता होती है वहां विनम्रता भी होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। मैं अपने आप में दृढ़ हूं, ये मेरी चर्या, ये मेरी क्रिया है, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी लाइफ स्टाइल है और इसमें लॉजिक है, ये अहिंसा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलत हो, पर मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसमें संतोष है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं इसे अपना रहा हूँ विनम्रता के साथ। यदि आपको अच्छा लगे आप भी ट्राई कर सकते हैं, यह दृढ़ता है, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा आपका, मैं इसमें साथ नहीं दे सकता, ये मेरी दृढ़ता है। इसलिए जैनियों को अपने धर्म में दृढ़ धर्मी होना चाहिए। दृढ़ धर्मी और प्रिय धर्मी बनो, कट्टर मत बनो, कठोर मत बनो, नम्र बनो, नत बनो। तो जो तुम्हारे डायरेक्टर्स और तुम्हारे उच्चाधिकारी ने ऐसी बात कही है, उनकी ये बात अभिनंदनीय है, और ये बात एक कट्टर जैन के प्रति प्रकट नहीं हो सकती, एक दृढ़ और विनम्र जैन के प्रति ही प्रकट हो सकती है। बंधुओ, मैं आपसे कहूंगा एक बार इस प्रभा कांत का जोरदार अभिनंदन करें। एक बहुत बड़े कंपनी में ये काफी रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं, सीएसआर के काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पूर्णतः भारतीय संस्कृति का अनुकरण करते हुए और एक नई सोच के साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, अटपटा सा लगेगा। इनका बेटा कोविद पीछे खड़ा है, सामने आ जा बेटा, अब तो मेरे ख्याल से 16-17 साल का हो गया, 16 का हो जाए, 15.5 का हो। इन्होंने अपने बच्चे की स्कूलिंग नहीं कराई, और एक नई अवधारणा के साथ अपने बच्चे का पूरा पालन पोषण किया, और उसकी शिक्षा को देखोगे तो अच्छे अच्छे डिग्रीधारी भी उसके आगे फैल रहे हैं। संस्कारयुक्त शिक्षा, ये भी एक अवधारणा है। बच्चे की पहली पाठशाला तो उसका घर हो। शिक्षा का मतलब चंद डिग्रियां धारण करना नहीं, शिक्षा का असल अर्थ तो है कला गुणों में निष्णात होना। और इन्होंने एक बड़ा साहसिक फैसला लिया, जब हम 2017 में उदयपुर चातुर्मास कर रहे थे तब से जुड़े, तब इन्होंने बताया
तो मुझे लगा कि वाकई में ये भी एक बहुत ही अनुकरणीय पहल है, और मैं मानता हूँ अगर बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो आज के तथाकथित डिग्रीधारी बच्चों से कहीं बेहतर परिणाम वो दे सकते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन।